मस्त है, खुश है न जी? तो चलिए तैयार हो जाइए, आज की क्लास मेरा एकदम कॉमर्शियल क्लास होगी। कॉमर्शियल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास भी कह सकते हो, यानी बड़े ही काम की चीज, यानी केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम मेटलर्जी, जिसको धातु कर्म कहते हैं या जिसको हम लोग कहते हैं धात्विकी, तो धातु कर्म या धात्विकी आज का टॉपिक होगा, आज का क्लास होगा। तो चलिए बच्चे से भी तैयार हो जाइए और दोस्तों को भी तैयार कर दीजिए, या तो बच्चे वो 10th क्लास का हो, 11th का हो, 12th क्लास का हो, या तो टेक्निक और पैरामेडिकल बच्चे हो, सभी बच्चे एक साथ लाइव से आप लोग जुड़ जाइए। यानी जिनका केमिस्ट्री की जरूरत है, उस सारे विद्यार्थी, चाहे किसी कंपटीशन का हो या तो किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप सभी बच्चों के लिए एक क्लास आपका इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए बच्चे जल्द कीजिए, दोस्तों को मैसेज कीजिए और उनको भी तैयार कर दीजिए। लड़कियां अपनी सहेलियों को तैयार कर लीजिए, हाँ जो जो आपके चैनल से जुड़े हैं उनको मैसेज कर दीजिए, ताकि वो भी क्लास में तैयार हो जाए और क्लास के लिए अपना जगह करवा जाए। तो चलिए आप लोग जब अपनी जगह पर आ गए हैं तो बेटा आइए शुरू करते हैं आज की क्लास धातु कर्म, जिसमें सभी बच्चों का स्वागत है। आपके गार्जियन अभिभावक का भी मेरे तरफ से मतलब हार्दिक अभिनंदन कहिए कि आप लोगों के गार्जियन यानी ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन का भी फायदा दे रहे हैं। और जो फायदा अगर आपको मिलता है इस समय घर बैठे आप लोग किसी कमरे में बैठ कर के इत्मीनान से पढ़ते हैं, चलिए कि जानिए एक घंटा हम यानी एक्स्ट्रा और क्लास चल रहा है। तो आइए बच्चे इस क्लास में यानी सबसे पहले आज हम समझाएंगे कि धातु कर्म किसे कहते हैं और धातु कर्म हम क्यों पढ़ते हैं। ये पहले ही तुम लोग को बता चुके हैं कि बेटा जितने भी केमिस्ट्री में धातु का नाम सुने हो, जितने भी धातु का नाम सुना है और जो यूज कर रहे हो, वह सब धातु बेटा किसी कंपनी में बनाया नहीं जाता। पहली बात, धातु किसी भी विधि से हम किसी भी कंपनी में तैयार नहीं कर सकते हैं। कारण कि अगर ये क्षमता हमें आ जाता कि धातु बना सकते हैं, तो बेटा आज हमारे देश में सोना चांदी की कमी नहीं होती, आराम से बना लेते। लेकिन यही कहिए कि हम कृत्रिम विधि से जो धातु बनाते भी हैं, वह धातु बेटा यूज नहीं कर पाते हैं, उसका अस्थाई रूप से रख नहीं पाते। तो चलिए हमने वैसे धातु की बात कर रहे हैं जिस धातु का दिन प्रतिदिन हम लोग इस्तेमाल करते हो, तो वह धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, समझिएगा सब बच्चे। देखिए बेटा कहता है कि धातु कर्म का मतलब होता है यानी क्रिया, जहां पर एक से ज्यादा काम किया जाता है। जैसे कि तुम लोग को बेटा हमने एग्जाम्पल में बताए थे बढ़ई, एग्जाम्पल में बताए थे कुम्हार, देखते हो यानी कुम्हार जाति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वह बर्तन बनाने के पहले बेटा मिट्टी के साथ बहुत सारा काम करता है। एक किसान को देखा होगा कि धान की फसल, गेहूं की फसल से अनाज निकालने के लिए बेटा देखे किसान कई सारा काम करता है। पहले फसल को काटता है, वहां से उठाकर खलिहान में लाता है, खलिहान में बेटा उनके पास मशीन होता है, चाहे थ्रेसर का प्रयोग करते हैं या बेटा फिर देखिए झरना का प्रयोग करता है। धान को देखिए अनाज को झाड़ते हैं, निवारी को अलग कर देते हैं बेटा। इसी तरह से गेहूं का होता है, चना का होता है, देखता उसमें से अनाज निकालने के लिए किसान को कई सारा क्रिया किया जाता है, जिसको कृषि कार्य कहते हैं। कृषि कार्य किसान के द्वारा बेटा जो काम किया जाता है उसको कृषि कार्य कहते हैं। तो अब जिस तरह से किसान काम किया,
बरहई ने आरा मशीन पर काम किया, कुम्हार ने देखे मिट्टी के साथ काम किया। बेटा उसी प्रकार से याद करना कि कोई भी अयस्क जब जमीन से निकाल करके कारखाना में लाया जाता है तो कारखाना में लाने पर उस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कई सारी क्रिया की जाती है। अब जितनी सारी क्रियाएं की जाती है बेटा सब को एक साथ मिला करके हम लोग धातु कर्म कहते हैं या उसी को मेटलर्जी कहते हैं, जिसके बारे में बेटा यहाँ पर देखिए अंकित किया गया है कि देखिए अयस्क से, अयस्क बेटा पर नहीं बताए थे कि अयस्क जमीन के अंदर से निकाला। अयस्क की पूरी जानकारी पिछले वीडियो में या पिछले लाइव क्लास में आप लोग दिए थे, जो बच्चा भूल गया होगा तो फिर आप उस वीडियो को देख लेंगे या तो नोट कॉपी को सामने करके उसको देख लेंगे। तो अयस्क की पूरी कहानी उसमें मिलेगा, अयस्क कितने प्रकार के होते हैं सारा चीज लोड कर दिए हैं। तो अयस्क बेटा जमीन के अंदर में था, अयस्क से कहता कि शुद्ध धातु प्राप्त करने में, अयस्क से एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करना है जैसे अल्मीनियम, तांबा, लोहा, चांदी है ना, जैसे बहुत सारा कहता है कैल्सियम, सोडियम, खाली तो धातु है। तो कहता कि किसी अयस्क से, समझ बात को, किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में अपनाई जाने वाली सभी क्रियाओं को, समझिए हाँ, यहाँ पर जितना सारा क्रिया अपनाई जा रही है, अपनाई जाने वाली सभी क्रियाओं एवं सिद्धांतों, अगर एक सिद्धांत है तो एक कारण की बेटा अब मानते हैं कि लोहा है, आप लोहा से बताओ अयस्क है, तो लोहा के जितने सारे अयस्क होते हैं वह अयस्क एक जैसा नहीं होता है। लोहा बताए कि अयस्क के कई प्रकार हैं, कोई ऑक्साइड के रूप में है, कोई सल्फाइड के रूप में है, कोई कार्बोनेट के रूप में है, कोई फास्फेट के रूप में है। तो क्या उसे धातु प्राप्त करने के लिए सब के साथ बताओ एक ही सिद्धांत लगेगा? नहीं, सभी अयस्क के साथ अलग अलग सिद्धांत लगाए जाने। तो जितनी सारी सिद्धांत अपनाई जाती है देखिए लिखा गया है यानी सिद्धांतों, मतलब एक सिद्धांत या एक से ज्यादा सिद्धांत, कहता है अपनाई जाने वाली सभी क्रियाओं एवं सिद्धांतों को धातु कर्म कहा जाता है। कौन कर्म कहते हैं बेटा? धातु कर्म कहते हैं, समझिए। अब धातु कर्म के बारे में देखिए लिखा गया है कि धातु कर्म एक प्रौद्योगिकी है। देखिए बेटा प्रौद्योगिकी जो रफी की बात शब्द आया है, अब बोलना कोई पूछे कि बताओ कि बेटा प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं? जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज बोलता कि पूरी दुनिया में बेटा जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ जा रहा है, तब ना एक पर एक यंत्र देखिए यंत्र तैयार कर रहा है जापान, इसलिए कि जापान का टेक्नोलॉजी बेटा वो सबसे आगे बढ़ जा रहा है। तो चाइना का भी है, अमेरिका का भी, लेकिन जापान उसमें सबसे आगे बढ़ जा रहा है। हमारे देश यानी भारत में टेक्नोलॉजी कमजोर है, यही वजह है कि हमारे देश में अयस्क तो है लेकिन बेटा सभी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो चाहिए माने सिद्धांत, जो चाहिए यंत्र, वो यंत्र हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में चाहेंगे कि आप सब बच्चों को समझा देंगे टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो बेटा दुनिया में पदार्थ जितना है ये देखिए उसमें से बहुत सा पदार्थ देता है यानी अनुपयोगी है, समझिए अनुपयोगी है। अब अनुपयोगी पदार्थ है और इस बेटा देखिए अनुपयोगी पदार्थ से अगर तुमने उपयोगी पदार्थ बना दिया, समझना अनुपयोगी पदार्थ को क्या किया? उपयोगी बना दिया। जैसे सोचो
आपने बताए देखा है लकड़ी, सोचिएगा थोड़ा सा, पहले आप लोग को हम समझा देना चाहते हैं बेटा कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, समझिए। आप लोग देखिए रास्ता से जाते रहते हैं, अब रास्ता में कहीं रोड के किनारे लकड़ी का बहुत मोटा गोटा वहां बेटा गिरा लग पड़ा है। अब सोचना रोड के किनारे लकड़ी का गोटा ऐसे पड़ा हुआ है, दीमक लग रहा है, बारिश का पानी से सड़ रहा है, बताओ वो लकड़ी बताओ आपके लिए बेटा अनुपयोगी है इसी रोड के किनारे पड़ल है। लेकिन उसी लकड़ी को अगर बेटा बढ़ई ने लाया, सोचिए लकड़ी को किसने लाया, बढ़ई लाया, कहाँ लाया, आरा मशीन पर लाया, और आरा मशीन पर लाने के बाद बेटा एक बढ़ई इस लकड़ी के साथ देखिए अब वो अपनी कला अपनाने लगा, अब उसको छीलने लगा, काटने लगा, चिकना करने लगा, और करते करते देखिए बेटा माल के एसी से बना दिया फर्नीचर, सोचिए अब फर्नीचर में बना दिया कुर्सी लकड़ी टेबुल है ना, टेबुल बना दिया, केवाड़ी बना दिया, बेंच बना दिया, ये सब क्या है उपयोगी चीज बना दिया। पहले से बेटा क्या था अनुपयोगी, इसको क्या बना दिया उपयोगी, तो अनुपयोगी को बना दिया उपयोगी, किसने बना दिया ये बढ़ई ने बना दिया, तो अनुपयोगी को उपयोगी बना दिया, तो बेटा इस लकड़ी को फर्नीचर बनाने में बताओ कुछ करना पड़ गया कि नहीं। तो जो बढ़ई के द्वारा क्रिया किया गया वो अभी बेटा समझे वो प्रौद्योगिकी का होता है, माने अनुपयोगी को उपयोगी बना दिया। ये लकड़ी बताओ रोड के किनारे पड़ा हुआ था, इस लकड़ी को छील करके आरा मशीन पर चढ़ा करके और वहां से देखिए बेटा फर्नीचर बना दिया। अभी फर्नीचर बना दिया तो देखिए ये अनुपयोगी था और ये बढ़ई ने उसको उपयोगी कर दिया। बेटा समझना कि टेक्नोलॉजी है, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आइए, चलो बेटा किसी नहर में पैन में खेत में बेटा मिट्टी है, अब मिट्टी वह जब बताओ नहर में है या पैन कहते हो है, या बहुत सारे देहात में बहुत सारा गड्ढा उड्ढा होता है पानी में लग जाता तालाब उलाब देखा होगा, चलो वहां मिट्टी है। अब बेटा वहां पर मिट्टी है तो बताओ कोई काम की चीज है, अनुपयोगी। उस पैन में उस नहर में उस तालाब में जो मिट्टी है वह बेटा क्या है अनुपयोगी है, कोई काम की चीज नहीं है। लेकिन इसी मिट्टी को बेटा देखिए आपका लाया कुम्हार है ना, अब कुम्हार जाति लाए और मिट्टी को घर पर ला करके अब बेटा देखिए इसी से बना दिया बर्तन, ठीक है इसी का देखिए बना दिया बर्तन। अब सोचो ये मिट्टी अनुपयोगी है, आपके लिए कोई काम की चीज नहीं था, लेकिन इसी मिट्टी को कुम्हार ने बेटा देखिए बना दिया बर्तन। अब बताओ एक बर्तन घड़ा बना दिया, बहुत तरह का घरेलू बताओ सामान होता, खपड़ा बना दिया है, सुराही बना दिया, गिलास कप देता है शादी विवाह में, चुक्कर बना दिया, बहुत सारा दिखता है शादी विवाह में कलश बना देते हैं लोग, बताओ उपयोगी है कि नहीं है। तो अनुपयोगी को उपयोगी बनाना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, ये दिमाग रखना। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो प्रौद्योगिकी का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब बच्चे समझ गए होंगे। तो बताइए यस या नो में कि टेक्नोलॉजी आपने समझा कि नहीं। चले बच्चे आइए, राखी जी चले, गुड इवनिंग भाई चले, गौरव जी गुड इवनिंग चले, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे समझ गए आप लोग, गुंजा गुड इवनिंग, संतोष जी गुड इवनिंग चलिए भाई, क्या है दीपक जी चलिए, बहुत हो निरंजन राखी समझ गए आप लोग। ये जो हमने बताया टेक्नोलॉजी के अनुपयोगी को उपयोगी बनाना ये कहलाता है टेक्नोलॉजी, अब तुम लोग जानने करता है। तो उद्योग में बेटा कई तरह का उद्योग होता है, एक होता लघु उद्योग होता है, एक बृहत उद्योग होता है। तो चलिए ये हमने बढ़ई को मान लिया, ये हमने कुम्हार को मान लिया, चलो ये घरेलू उद्योग चलाते हैं।
लेकिन बेटा यहाँ पर जो मेटलर्जी कहते हो ये घरेलू चीज नहीं है, एक कारखाना का चीज है। और बेटा आइए तो कारखाना की बात समझाते हैं। ये अनुपयोगी को उपयोगी बना दिया जिसका नाम होगा प्रौद्योगिकी। तो कह सकता है कि अनुपयोगी, समझिए, यानी अनुपयोगी यानी पदार्थ को यानी उपयोगी बनाना, ठीक है, उपयोगी बनाना यानी प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझिएगा, प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी कह रहे हैं यानी प्रौद्योगिकी पानी कहलाता है। समझिए, अब यहाँ पर देखना है बेटा से बच्चे समझेगा कि ये प्रौद्योगिकी क्या है। ये प्रौद्योगिकी देखिए कई जगह का है, या तो साइंस हो या तो ज्योग्राफी हो, ये दोनों जगह प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज नहीं होती तो बेटा आज जितने सारे रोड पर गाड़ियां चल रही है ना, ये को नहीं चलता। ये इसी प्रौद्योगिकी का देन है जो कहता है आकाश में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट बेटा चला रहे हो, ये किसी और का नहीं, एक टेक्नोलॉजी है। अनुपयोगी को उपयोगी बनाकर क्या लिखे इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन के अंदर में था आयस, जमीन के अंदर से निकाल लिया और उसे तैयार कर लिया क्या चीज, अल्मोनियम, उसे प्राप्त कर लिया क्या चीज, तांबा, उसे प्राप्त कर लिया बेटा लोहा। आप बताइए अगर टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल होती, डेवलप नहीं होता तो क्या तुम्हारे देश में सारी गाड़ियां बनती नहीं बनती, तो आपका भी देश धीरे 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 करके अब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और अनुपयोगी को उपयोगी बनाने के पीछे लग रहे, समझ गए। तो आइए बेटा आगे कहानी सुनाते हैं, समझिए, एकदम इत्मीनान से, कोई दिक्कत ना है, दिक्कत किसी बात का नहीं है, आराम से समझिए ना, आराम से समझिए, दोस्तों को समझाइए कि लाइफ से क्या फायदा होती है क्या नहीं फायदा होते हैं, उस सारे बच्चे आपको बताएंगे। जिसको एक बार मजा मिल चुका है लाइफ का, ऑनलाइन क्लास का, वो थोड़े छोड़ता है। जिसके पास घर में अगर मोबाइल नहीं है तो मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है मोबाइल तो बेटा घर बैठे आराम से हम समझ सकते हैं। बताए हैं कि आज के डेट में आने वाले समय में बेटा जो ऑफलाइन क्लास होती है वो सब बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन ही क्लास ये सफल करेगा सब जगह। अभी कोरोना गिरा नहीं है, आज के पेपर देखे हो ना, ये कोरोना के लहर आने वाला फिर है बेटा, छोटका आवे चाहे बड़का आवे, लेकिन आएगा और उससे हमको बचना है भी। तो आइए ध्यान देना, अब कहता बेटा कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है। यहाँ पर बेटा देखिए पॉइंट लिखे हैं कि धातु कर्म के कितने चरण होते हैं, मतलब कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जितनी क्रियाएं की जाती है बेटा सब बारी बारी से अगर देखोगे तो सामने आ जाएगा। जिसमें बेटा फर्स्ट जो आपका काम करना है वह काम करना है यानी अयस्कों का सांद्रण। देखिए पहले बेटा यही काम है कि अयस्कों का सांद्रण किया जाए। अयस्कों का जब सांद्रण करते हैं तो इसका मतलब बताते हैं क्या होता है, समझिएगा। सांद्रण जब बेटा करते हैं तो दूसरा बात यहाँ पर होता है यानी सांद्रित अयस्क, ठीक है, यानी सांद्रित जो अयस्क होता है, ये सांद्रित अयस्क का, समझिए, यानी अयस्कों का सांद्रण पहला काम करना है। जैसे बताए किसान ने पहला काम किया अपने फसल को काट दिया, काट करके चलो बेटा खलिहान में लिया, जैसे हम पहला काम करेंगे अयस्कों का सांद्रण, जब सांद्रण कर देंगे तो उसका नाम बेटा पड़ जाएगा सांद्रित अयस्क। अब सांद्रित अयस्क का या तो हम लोग बेटा करेंगे जारण या तो हम लोग करते हैं निस्तापन, दूसरा काम करिएगा, ये होता है बेटा जारण या निस्तापन। जब जारण या निस्तापन हुआ मतलब ये फसल आ गया काम खलिहान में, उसके बाद
अब उसका दौनी करोगे। कल्याण दौनी, इसी को देहात में दौनी कहते हैं और विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं, मढ़ाई कहते हैं। मढ़ाई जो हम लोग देहात में बोले कि हाँ खलिहान में दौनी हो रहा है, तो इसी को कहते हैं मढ़ाई कर। हाँ, अब यहाँ पर बेटा हम क्या कहेंगे कि सांद्रित अयस्क का जारण या निस्थापन करेंगे। दिमाग में आ रहा है तुम्हारा बात, हम समझ रहे हैं कि जारण निस्थापन क्या होता है। सर सब समझाएंगे, थोड़ा गिन लो तो। पहले देखिए बेटा, जब जारण या निस्थापन कर दिए तो तीसरा जो पॉइंट होता है बेटा, बोलते हैं जारित। जारित को ही देखिए बेटा, दूसरा नाम है भर्जित, यानी भर्जित अयस्क, ठीक है, अयस्क अथवा जब बेटा निस्थापन अगर करेंगे तो इसी को निस्थापित बोलते हैं, यानी निस्थापित यानी अयस्क। अयस्क का बेटा बोलते हैं यानी प्रगलन, तो प्रगलन कहते हैं या इसको बेटा देखिए कहते हैं यानी अवकरण, जिसको बोलते हैं यानी स्मेल्टिंग और रिडक्शन। नाम सुना होगा रिडक्शन का, अवकरण का नाम तो करीबे करीब बच्चा सुन चुका है, चाहे वो टेंथ का हो या टेंथ पास कर गए हो, उस सारे बच्चे अवकरण का नाम जानता है। तब देखिए बेटा, जब अवकरण हो गया तो चौथा काम यही करते हैं कि देखा ये धातु का शोधन करते हैं, समझिए। तो धातु का शोधन, शोधन का मतलब बेटा इसी को कहते हैं यानी शुद्धिकरण, समझिए, यानी शुद्धिकरण करते हैं। अब यही पर हो गया इंपलिसकरण, ये वो वर्ड बोलेगा किताब में लिखे रहेगा कि निष्कर्षण या परिष्करण कैसे किया जाता है। अब कोई अयस्क का नाम दे देगा और कहेगा कि इस अयस्क से ये धातु का परिष्करण कैसे किया जाती है या निष्कर्षण कैसे करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं। निष्कर्षण परिष्करण सब का मतलब बेटा मीनिंग सेम है, मतलब सेम है कि कैसे धातु प्राप्त करते हैं। तो आइए यही चार वो चरण बोलेगा, जिसमें पहला बेटा बोलना है अयस्कों का सांद्रण करेंगे, दूसरा में बेटा जब अयस्क का सांद्रण हो गया तो सांद्रित अयस्क का जारण या निस्थापन बोलेगा, तीसरा में बेटा जारित या भर्जित बोले, ये दोनों एक चीज है, जारित कहिए या भर्जित जो है एक चीज है, जारित या भर्जित अयस्क या निस्थापित अयस्क का प्रगलन या अवकरण करेंगे, और लास्ट काम होगा कि धातु का शोधन करना पड़ेगा यानी धातु को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक धातु को शुद्ध नहीं करोगे बेटा, वह उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रहेगी, तब कुछ न कुछ दिक्कत करेगा। जैसे सोचो, कभी कल मार्केट में गया होगा बेटा तार खरीदने के लिए, तार खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर गए होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर बेटा देता है कई तार लटका हुआ रहता है, देखे हो। जब दुकानदार से पूछोगे कि भैया बताइए ये तार कैसे मीटर है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, तो देखिए बेटा जब तार का कीमत बताने लगेगा दुकानदार तब भिन्न भिन्न तरह के बोलेगा, कहेगा कि 5 रुपये मीटर है, ये 7 रुपये मीटर है, ये 10 रुपये मीटर है। आखिर क्यों बेटा, है तो सब तांबे के तार, लेकिन कम बेस क्यों दाम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि बेटा सभी तो तांबा का तार है, लेकिन सभी तांबा के तार को देख रहे होंगे लटकाया हुआ, वो एक तरह का नहीं है, कोई तार एकदम शुद्ध है और कोई तार बेटा थोड़ा अशुद्धि है, कोई में ज्यादा अशुद्धि है, तो जिसमें ज्यादा अशुद्धि है उसका दाम बेटा कम होगा। क्या होगा, उसका दाम कम होगा। इसलिए अब जैसे घर में तुम्हारा मोटर होता है, तो बताओ घर में मोटर है तो मोटर का कॉइल देखा है, मोटर का कॉइल देखा होगा, पंखा होगा उसमें कॉइल होगा, उसमें तांबा का तार भी होगा,
तो बेटा उसमें थोड़ा सा भी अशुद्धि रहेगा ना, वो गर्म होकर तुरते गल जाएगा, जल जाएगा। इसलिए शुद्ध करना पड़ेगा धर्म। जब तक उस धातु तांबा को शुद्ध नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो आइए बेटा जरा समझिए, सभी बच्चे एकदम इत्मीनान से समझिएगा और बराबर करते हैं कि दिक्कत हो तो भी, ना दिक्कत हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक, वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले बेटा देखिए समझिएगा, बारी बारी से प्वाइंट निकल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्वाइंट आपने लिया है यानी आयस्कों का, आयस्कों का यानी सांद्रण। समझिएगा आयस्कों का सांद्रण का मतलब क्या हुआ बेटा, समझना पड़े। एक मतलब देखिए क्या हुआ कि जैसे सोचिए अब अनाज है, अब बेटा भूसा, अब दोनों एक साथ मिलल है। सोचना अनाज भी है और भूसा भी, जैसे घर में देता हुआ चावल है तो चावल में भूसा भी है। मगर बेटा मम्मी क्या करती है कि चावल बनाने के पहले उसमें जो भूसा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में गैंड, क्या कहते हैं गैंड कहते हैं। तो देखिए जैसे चावल से भूसा को अलग कर दिया, उसी तरह से बेटा अयस्क से गैंड को अलग करना पड़ेगा। जब तक अयस्क से गैंड को नहीं अलग करोगे तब तक अयस्क शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होगा, बात समझिएगा। तो कहते हैं क्या चीज कि अयस्क से, ठीक है समझिए, अयस्क से यानी गैंड, गैंड को यानी अलग, ठीक है, अयस्क से गैंड को यानी अलग, हाँ अलग करने की क्रिया, क्रिया को, ठीक है, यानी अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। अयस्कों का सांद्रण यानी कहा जाता है। अब हम सॉलिड रूप में याद कर लिया, यानी जैसे बोला कि अयस्कों का सांद्रण का मतलब क्या होता है, तो उसको बेटा बताना है एकदम ठेठ हिंदी में कि जैसे चावल से भूसा को अलग कर दिया, ठीक उसी प्रकार से बेटा अयस्क से गैंग, गैंग माने बेकार पदार्थ, मिट्टी, कीचड़, पत्थर, बालू, अवरक, ये सब क्या है, गैंग है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, आधात्री कहते हैं। तो बेटा माल पे बताए थे कि अयस्क कहाँ था जमीन के अंदर, किस रूप में, चट्टान के रूप में। अब बड़ी बड़ी जेसीबी बेटा लगाया और जेसीबी से निकाल निकाल के निकाल निकाल के उसको ट्रक पर लोड कर दिया, ट्रेन के मालगाड़ी में लोड कर दिया और बेटा साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ से साउथ इंडिया बेटा देखे मालगाड़ी के द्वारा भिजवा दिया, भेजा कि नहीं भेजा रहे हो, हैं सोचिए। लेकिन हाँ एक बात पहले भी बता चुके हैं, भूगोल में भी आप लोग पढ़ते हैं कि बेटा किसी चीज का कहीं पे कारखाना खुल रहा है बेटा, समझिए उस कारखाना से रिलेटेड कच्चा पदार्थ वहां होना चाहिए। जैसे बताओ किसी इलाके में चीनी का फैक्ट्री खोल रहे हो, अब चीनी का फैक्ट्री खोल रहे हो और उस इलाका में बेटा केतारी नहीं होगा, ईख नहीं होगा, तो क्या उस इलाका में चीनी का फैक्ट्री चलेगा, नहीं चलेगा। अब उसी तरह से कोई कंपनी तुम खोलने जा रहे हो और उस कंपनी में जो चीज बनाना चाह रहे हो उसका कच्चा पदार्थ, कच्चा माल उस इलाका में मिलना चाहिए। जैसे कि बताए थे आप लोग के जमशेदपुर टाटा, जहाँ बेटा देखिए लोहा का अयस्क है जमीन के अंदर, उसी इलाका में देखिए आपका लोहा की कारखाना खुला। पहले भी बता चुके हैं कि लोहा की कारखाना के मतलब ये मत समझना बेटा वहाँ लोहा बनाया जाता है, लोहा बनाए नहीं जाते हैं बल्कि अयस्क से लोहा तैयार प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहला हमको यही काम करना है बेटा कि अयस्क, अयस्क से गैंग, और गैंग का मतलब तुम अब समझ गया होगा कि गैंग का मतलब बेकार पदार्थ,
तो अयस्क से बैन को अलग करने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया का नाम है बेटा अयस्कों का सांभ्रंश करना। समझिए आप बताइए तो अयस्क से बैन को कैसे अलग करोगे? तो अयस्क से बैन करने के लिए गैन को हटाने के लिए बेटा भी यहां ध्यान देना पड़ेगा कि अयस्क कैसा है और गैन कैसा है, ये दोनों का प्रकृति देखना होगा। कारण कि अयस्क में से गैन को अलग करना है जैसे कि चावल में से भूसा को अलग करना है, तो बेटा क्या किया आपने, सूप लिया, सूप से उसको फटक दिया, या तो बेटा चावल को देखे ऐसे हवा में ऐसे गिराने लगा तो भूसा बेटा देखे उतर के अलग हो गया। उपाय किया ना, कोई दिमाग लगाया ना कि चावल में से भूसा को कैसे अलग कर दे, तो आपने क्या समझा कि चावल भारी है भूसा हल्का है, बेटा हवा में से गिराएंगे तो भूसा देखे भाग जाएगा, दिमाग लगाया। उसी तरह से यहाँ अयस्क से गैन को अलग करना इतनी आसान नहीं है बेटा। अयस्क में एकदम लटपटाल है, घुसल है, अंदर में मिश्रण होल है, ओकरा में से निकालना है। तो ये दाया बाया खेल नहीं एकदम है, अगर दाया बाया खेल लेता तो कोनो कंपनी खोल देता, कोनो कर खाना चालू करता, लेकिन बेटा इतनी आसान नहीं है, याद रखेंगे, गौर कीजिएगा। तो आइए यहाँ बेटा अयस्क से गैन को अलग करना हो तो सबसे बेटा पहला उपाय है यानी प्राथमिक उपचार। सबसे पहले देखिए प्राथमिक उपचार करेगा, और इसी प्राथमिक उपचार में कहा जाता है कि हाथों से चुनकर, हाथों से चुनकर यानी गैन के टुकड़ा जब बड़ा हुआ होता है उसको अलग कर दिया। जैसे समझिए प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कंपनी में अयस्क बुलाइए, ठीक है। पहला काम देखो प्राथमिक मन समझता है देखा, जब तुम लोग कभी हाथ पैर कट जाता है जल जाता है तो कहता है यार फर्स्ट एड करो, प्राथमिक उपचार पहले करो। कहा भाई तो हाथ जल गया है बेटा, जल्दी से उसको यानी क्रीम वगैरह से है ना, जैसे बर्नौल होता है बर्नौल से पहले धोइए उसको आराम से, प्राथमिक उपचार हुआ। डिटॉल वगैरह मारिए, पट्टी मारिए, ये सब क्या है, ये फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है। देखता बेटा खिलाड़ी कहीं खेलने जाता है अपना किट लेके जाता है, कहीं छिला उला गया पैर फट से देखता है मलहम पट्टी मार दिया, ये प्राथमिक उपचार हुआ। तो यहाँ प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होगा समझना, तो बेटा देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि कंपनी वाला अयस्क को अपने कंपनी में गिरवाया, उसके बाद क्या करेगा सुनिएगा, पहले लेबर को बुलाएगा, और लेबर को बुलाने के बाद क्या करेगा, कहेगा कि अयस्क में जो बेकार है टुकड़ा उसको चुन चुन करके हाथ से बेटा अलग कर दो। कैसे, जैसे कभी कोयला खरीदने गए हो तब कोयला खरीदने जाता है तो देखता क्या करते हैं महिला लोग या जेंट्स लोग, हाँ हथवा से चुन चुन करके बेटा जो भारी भारी लगता है ना कोयला पूरा छांट देता है, वो जान जाता है कि कोयला नहीं पता पत्थर है, कोयला नहीं पत्थर है। कहा है भाई वो दुकानदार को क्या करता है बेटा, जहाँ से लाता है ना झारखंड जा करके वहीं पे क्या करता है, जब एक ट्रक माल पे पहुंची है कोयला तो ओकरा में बेटा कहा हुआ कि 10-20 मन ये रोड वाला जो पत्थर है ना वो पत्थर वो ओकरा में डाल देगा है, और बेटा देखिए कोयला के साथ में रहते 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 वो पत्थर हो गया कोयला काला, कोयला तो नहीं हो गया मैंने काला हो गया, अब काला हो गया तो तुमको पहचानने में नहीं आएगा, आएगा पहचानने नहीं, अब चलो कोयला अब पत्थर साथे साथे बिक गया। तो वहां पर बताइए लोग क्या करते हैं, चुनते हैं कोयला बेटा जो सही रहता है वह कोयला हल्का होता है, जो कोयला सस्ता होता है सॉरी जो कोयला हल्का होता है वह शुद्ध कोयला है सही कोयला है, और जो कोयला भारी लगेगा ना बेटा वो समझ आना कि बेकार है ये पत्थर है इसको न ले। देखा ना दुकानदार लोग होटल पर गए कभी तो देखता है कोयला से जब बनेगा कोई चीज़ है
क्या कोयलवा के जो राख गिरेगा वो पूर्व में देखें बेटा ऐसे झार झार के अब कोयला अलग करे और पत्थर अलग करे देखा है। तो यहाँ पर बेटा यही समझना है कि सबसे पहले यहाँ काम यही करेंगे, एक कंपनी में लाएंगे उसको में पहले लेबर लगाएंगे और लेबर लगा करके जैसे मम्मी चावल बनाने के पहले देखे हो बेटा चावल को चुनती है हाँ और हाँ, समय तो नहीं काटती है चुनती है देखता है चावल में पत्थर रहता है कोई और चीज रहता है देखता हो करके मम्मी उसको पहले चुन लेती है। वैसी कंपनी वाला लेबर भी अयस्क में जो बेकार पदार्थ है पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा है वो लेबर चुन चुन करके पहले छाट तब का क्या से सुनो कहानी। तब बेटा एक बार जो है मोट का पाइप लाया पानी वाला, एक बार मशीन चालू कर दिया बेटा पूरा जो है अयस्क को एकदम पूरा साफ कर दिया, जितना अचरा कचरा कीचड़ कीचड़ मिट्टी वगैरह था वो सब बेटा पानी के झोंका में सब दह गया। मानते हैं कि चट्टान है और चट्टान में लिपटा ले कौन सी कीचड़ मिट्टी है तो ओकरा पर पानी का फोर्सिंग मारोगे तो ना साफ हो जाएगा, एकदम चकाचक चमकने लग गया। भले ही बता दिए कि अयस्क का बेटा एक रंग होता है, दुनिया में जितनी भी धातु का अयस्क है सब का अपना एक रंग होता है, कोई नीला है तो कोई पीला है कोई लाल भूरा है तो कोई काला है, सबका बेटा अपना एक रंग होता है, ये भी याद कर लेना। धातु का जितना भी अयस्क होता है बेटा इस सभी अयस्क का एक अपना चमक होता है, और जिस तरह से धातु को चमक से पहचान लेते हो कारखाना वाला बेटा वो चमक से पहचान लेता है। जैसे कि आपने सोना को कहा कि पीला होता है पीलापन देखे पहचाना, चांदी की उजलापन को देखे पहचाना, तांबा को लाल भूरा रंग देखे पहचाना, देखता है लोहा की चमक होती है जब सरेस मारता है तो देखता है लोहा भी चमकने लगता है, तो तांबा भी चमक रहा है, सोचो अल्मीनियम भी चमक है तो क्या सबका चमक एक है सोचो। तो जिस तरह से धातुओं की चमक अलग अलग होता है उसी तरह से बेटा अयस्क का भी चमक अलग अलग होता है, जैसे पानी से धोएगा एकदम चमकने लगेगा। तब क्या करेगा वहां लेबर लोग करना है कि बेटा कंपनी में एक क्रशर मशीन होता है याद रखना, जिसको कहते हैं दलित्र कहते हैं बेटा, इसी को क्रशर मशीन कहा जाता है यानी क्रशर मशीन ठीक है। तो ये क्या होता है समझिए, अब तो बताओ अयस्क एकदम साफ सुथरा हो गया, अब कंपनी वाला क्या करेगा कि उस अयस्क के बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है चट्टान उसको हथौड़ा से मशीन से मार मार करके एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। समझिए अगर बिहार के रहने वाले आप लोग हैं तो कभी बेटा जब गया तरफ जाता होगा तो देखा बीच रास्ता में पत्थर तोड़ने वाला मशीन भी मिलता होगा, देखते होंगे रोड पर जब जाता होगा घूमने के लिए तो देखता है गिट्टी का बेटा साइज होता है, रोड बनता है ऊपर देखिए गिट्टी बड़ा बड़ा रहता है, जब देखता है सीमेंट से रोड ढलाता है तो बेटा छोटा छोटा रहता है, तुम्हारा छत की ढलाई होती है बेटा उसका साइज अलग होता है, और जब कोई घर में रेत बनता है तब देखता है बेटा एकदम पाउडर ऐसा आता है गिट्टी एकदम जरा चिप्स कह जाए चिप्स, देखा रोड किनारे एकदम ट्रक के ट्रक गिरता है चिप्स एकदम महीन 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 महीन। तो सोचो बराबर गया होगा राजगीर गया होगा झारखंड में बहुत सारा पहाड़ है वहां पर जाते हैं बच्चे तो देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा रहेगा चट्टान अयस्क का बड़ी बड़ी चट्टान रहेगी तो क्या उतना बड़ा चट्टान मशीन में घुसेगा वो सोची, इसलिए उसको पहले तोड़ करके टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा छोटा छोटा जब हो गया तब बेटा उसको क्रशर मशीन में डाल दिया, क्रशर मशीन में डाल करके आज जैसे गेहूं से आटा बना देते हो मैदा बना देता है बेटा अयस्क को भी पिसाई करते हैं और पिसाई करके उसको पाउडर बनाते हैं। ये बेटा हो गया तुम्हारा फर्स्ट एड यानी जिसको कहते हैं प्राथमिक उपचार।
क्या क्या से सुना कहानी। अयस्क में अयस्क से बैंक को अलग करने के लिए पहला काम यही करना पड़ेगा, प्राथमिक उपचार करना होगा। मतलब गैंग के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथों से चुन करके अलग करना होगा, कीचड़ को धो करके अलग करना होगा, बड़े बड़े टुकड़ा को तोड़ करके छोटा छोटा करना होगा, उसके बाद क्रशर मशीन में डालना होगा और उसके पिसाई करके पाउडर तैयार कर दिया। चलो बेटा एक मारा रहा प्राथमिक उपचार। अब देखिए दूसरा उपचार करने के पहले बेटा यहाँ पर याद करना, अब दूसरा उपाय है एक विधि यांत्रिक विधि और दूसरा बेटा रासायनिक विधि। याद करिए दो विधि यहाँ लगाए गए, यानी कि अब जो पाउडर बन गया इसके साथ बेटा आप उनको दो में से एक चीज अपनाना होगा, या तो यांत्रिक विधि अपनाइए। हाँ यांत्रिक मन समझ आओ जितना यंत्र है और यंत्र से बेटा बना यांत्रिक, तो यांत्रिक विधि है। और दूसरा जो देखा गया आपका विधि है वह बेटा देखिए रासायनिक विधि, समझना ये रासायनिक विधि, यानी दो विधि बेटा आपके सामने अभी हुई है। लेकिन अब तुमको चुनना है कि कहाँ पे यांत्रिक विधि और कहाँ पर बेटा रासायनिक, ये दोनों में से एक विधि का चुनाव करना है। अब यांत्रिक विधि का मतलब क्लियर हो गया कि जहां पर कोई रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना, रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है, यहां पर बेटा केवल यंत्र का प्रयोग करना है। तो आइए यांत्रिक विधि जो होता है इस विधि में क्या लाते हैं अब यहां समझ लें। तो यांत्रिक विधि जो है बेटा देखिए इसमें पहला जो विधि आता है वह देखिए विधि आपका समझेगा, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं गुरुत्व पृथककरण विधि, समझिएगा यानी गुरुत्व यानी पृथककरण विधि। समझेंगे इस विधि का प्रयोग हम कहां करेंगे, समझिए आप देखिए बेटा यहां पर लग गया देखिए गुरुत्व यानी गुरुत्व माने गुरुत्व बल, समझिए। अब मान लेते हैं कि चलिए तुमको ऐसा अयस्क मिला है, ऐसा अयस्क है जिसमें गैंग है बेटा हल्का, गैंग है हल्का और अयस्क है भारी। सोचो बन गया पाउडर, बना लिया तुमने पाउडर, समझेगा तो या तो बेटा देखिए यहाँ पर एक विधि लगाते हैं, इसी को देखिए द्रावण विधि भी कहते हैं, गुरुत्व पृथककरण विधि को द्रावण विधि कहते हैं। इस विधि में पहले ही दिमाग में रखना है कि इसमें बेटा आपका अयस्क यानी अयस्क का घनत्व यानी ज्यादा होगा और बेटा देखिए गैंग का घनत्व कम होगा, यानी गैंग का घनत्व यानी कम। मतलब कि एक बेटा देखिए आपका हो गया भारी और एक बेटा देखिए हो गया हल्का, हल्का। अब आप बताइएगा आपने ध्यान दिया एक विधि को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझिए। जैसे बेटा बताओ कि दिवाली में सब लड़कन देखा है दिवाली के समय देखता हो जब घर की सफाई मम्मी कर रही थी और आपका घर बाय दबे दो तल्ला या तीन तल्ला है। चलो अब देखते होंगे मम्मी कि जब देखता है पूरे घर की सफाई करके अब पानी को जब सीढ़ी पर गिराती है तब देखा है कुछ, जब सीढ़ी पर से पानी गुजरता है बेटा तब देखता है बालू का जो कण होता है ना वो सीढ़ी पर अटक गया, देखा है पानी बेटा गिरते चल जाएगा, देखिए धीरे धीरे सीढ़ी एक सीढ़ी दूसरा सीढ़ी तीसरा सीढ़ी चौथा सीढ़ी यानी नीचे गिर गया, लेकिन उसमें जो भारी कण था वह बेटा देखिए सीढ़ी पर अटक गया, हुआ कि नहीं सीढ़ी पर रुक गया, माने जो भारी था वह बैठ गया और जो हल्का था पानी के झोंका के साथ बह गया। यही दिमाग लगाना यहाँ पर गुरुत्व पृथककरण विधि का मतलब होता है, इसलिए इस विधि को हम द्रावण विधि भी कहते हैं, ये भी दिमाग में रखेगा। हाँ ऊंचा क्लास में बच्चों को ज्यादा बताया जाता है द्रावण विधि,
और मैट्रिक का बच्चा जो था दोस्तों पृथककरण के लिए से काम करता है। चलिए इसमें आप जान गए कि अयस्क तुम्हारा भारी था और गैंड हल्का था। जैसे सोचो अब तुमसे कहें कि कभी कभी देखा हो मम्मी को कि गेहूं पिसाई करने के पहले मम्मी गेहूं को बाल्टी पानी में डालती है, देखता है बर्ता वो बाल्टा लेती है और उसमें पानी या पानी देता है गेहूं डालती। एक बार मम्मी हाथ ऐसे कर देती है तो बताओ उसमें जो हल्का चीज रहता है बेटा ऊपर तैरने लगता है कि नहीं। और जब तैरने लगता है तो देखता है मम्मी धीरे धीरे पानी को गिराती है। पानी जब गिराती है तो देखता है जो हल्का चीज रहता है वो तो पानी के झोंका के साथ गिर जाता है। होता है ना ऐसा? तो ऐसा होता है। तो ये याद कीजिएगा इस विधि का नाम है रुद्र पृथककरण विधि। अब देखिए बेटा इसका कहीं उल्टा अगर हो गया कहानी, ये तो बताए तुम लोग क्या चीज क्या यहाँ पर। चलिए अगर ऐसा नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि बेटा मान ले कि बर्तन ही बर्तन क्या हो टंकी लो ना पानी का। अब पानी का टंकी है और इसमें देखा है बेटा पूरा तीन चौथाई भाग पानी भर देख रहे हो। उसके बाद तब इसमें अयस्क और डैंग दोनों साथ में है बेटा इसमें देखे डाल। अब इसमें डालने के बाद का हमने किया ये समझना है कहानी। अब इसको बेटा बाहर से यानी हवा दे करके पूरा इसको बुलबुलाते हैं। बुलबुलाता समझता है जैसे कभी देखता है नली ले लो पाइप, आप बाल्टी में ले लो पानी, आप पाइपवा से फूकेगा ना बेटा तब पूरा बल 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 करेगा। तो ऐसे ही एक पूरा बल बुलाओ, जब बल बुलाएगा जब स्थिर हो गया तब इतना बेटा जो भारी था आयस के कण है वो धीरे 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 करके पिंडी में बैठ गया और गैंग था हल्का तो बेटा गैंग ऊपर में आ गया। अब गैंग ऊपर में आ गया मानते कि इसे आपने नल लगा दिया लगा करके इसको गिरा दिया। अब जो बताओ अयस्क था देखे पिंडी में यहाँ पहुंच गया। चलो यही तो करना था, अयस्क से गैंग को अलग करना था, अयस्क से गैंग को देखिए आपने अलग कर दिया। लेकिन बेटा ठीक इसके अपोजिट जो होता है उसको कहते हैं फेन पलवन विधि। याद करना फेन पलवन विधि, ठीक है। अब फेन का मतलब तो सब लड़कन जानता है कि होता है झाग, नहीं फेन का मतलब क्या झाग। तो देखिए यानी फेन उत्प्लवन विधि का या इसी को फेन पलवन विधि कहते हैं। इसमें होता क्या है समझिएगा। तब देखिए इस विधि में बेटा ठीक इसका उल्टा हो जाता है, इसमें था अयस्क भारी और गैंग था हल्का। अब हम क्या कर रहे हैं यानी अयस्क को कर रहे हैं हल्का और गैंग को कर रहे हैं भारी, उल्टा कहानी आ गया। यानी देखिए अयस्क यानी अयस्क का घनत्व यानी अयस्क का घनत्व कम होता है और गैंग का बेटा देखिए घनत्व ज्यादा होता है। यानी गैंग का घनत्व ज्यादा मतलब कि अब ये हो गया अयस्क हो गया हल्का, अयस्क हो गया हल्का और बेटा ये गैंग हो गया देखिए भारी, यानी उल्टी बात हो गई। देखिए रुद्र पृथककरण विधि का नियम बताए कि अयस्क का घनत्व होना चाहिए ज्यादा और गैंग का घनत्व कम, माने अयस्क होना चाहिए भारी और गैंग बेटा हल्का। यहाँ करें अयस्क है हल्का और गैंग है भारी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में बेटा यहाँ याद करना यानी सल्फाइड अयस्क याद है। यानी सल्फाइड जो अयस्क होता है जैसे बेटा कहता है यानी Fe2S या Fe2S बोलते भी है आयरन पायराइट है ना, तो Fe2S आयरन पायराइट एस बेटा देखिए लग गया। जैसे कहता PbS गैलेना हो गया। जैसे बोलता सीनेबार देखिए बेटा ये भी है। जैसे बोलता कॉपर पायराइट देखा जाए बेटा H2 है।
सोचो तो ये सब जितना भी अयस्क देख रहे हो ना, ये सब में यही लागू नहीं होता है कि ये सब खुद होता है हल्का और गैंग होता है बेटा भाई। तब इसको कैसे अलग करेगा? तो देखिए इसको अलग करने का यही तरीका है, खेल प्लवन विधि। कौन विधि? हाँ, खेल प्लवन विधि, समझेगा। एक बार थोड़ा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखेंगे बच्चा यहाँ पर, समझिएगा। आप यहाँ देखिए खेल प्लवन विधि में क्या होता है, इस पर जरा गौर करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। अब एक विधि बताने के पहले हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इसको पहले इसका एग्जाम्पल तो दे दिए कि घर की जब सफाई होती है, सीढ़ी पर से पानी पार करते हैं, मान सीढ़ी नुमा हो और उसके जगह पर गिरा दिया तो अयस्क बेटा देखिए रुक गया और गर्म पानी के साथ बह गया। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है भाई, यहाँ देखिए अयस्क का घनत्व है देखिए कम। अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप लोग सोचिए कैसा होता है कि नहीं। कभी तुम लोग बताओ शर्ट पैंट धोए हो आप तुम लोग लड़कियां? अरे अपना कपड़ा धोइए कभी, तब धोइए तो बता रहे हैं आज के बाद ध्यान देना। देखना जब कपड़ा धोता है तुम लोग तो बेटा शर्ट पैंट यानी पानी में डालने के पहले क्या किया जाए सोच। आपने क्या करते हैं, बाल्टा लिया, कुछ बर्तन लिया ना, उसमें पानी लिया और पानी में बेटा सरफ डाल दिया। पानी में क्या डाला? सरफ डाल दिया। पहले पूरा इसे मिला दिया, पूरा झाग हो गया। और जब झाग हो गया तब बेटा उसमें अपना शर्ट पैंट कपड़ा जितना ना उसमें डाल दो। जब डाल दीजिएगा और थोड़ा देर छोड़ दिए, 15-20 मिनट छोड़ता है, तो 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दीजिए उसी। अब उसके बाद देखना तुम लोग क्या करना कि अपना शर्ट पैंट को जा करके बाल्टी में से निकाल करके अलग रख देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देर छोड़ देना पानी को स्थिर कर देना। जब देखना अस्थिर हो जाएगा पानी तब बेटा देखना बाल्टी वाला पानी को धीरे 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 करके गिराओ। जब धीरे धीरे करके गिराओगे तब बेटा लास्ट में देखना बाल्टी में कुछ दिखाई पड़ेगा। लास्ट में देखना बाल्टी में बालू के कण दिखाई पड़ेगा बेटा, मिट्टी के कण दिखाई पड़ेगा। देखिए आपका कपड़ा में सलग हो गया कि नहीं, सोचो आपके कपड़ा में था धूल के कण, इसी में था मिट्टी के कण, बालू के कण में सब पॉइंट में। लेकिन जब सरफ वाला पानी में बेटा आपने जब डाला तो क्या हुआ देखा कि बालू के कण मिट्टी के कण तुम्हारा कपड़ा में से अलग हो गया। वो देखे बाल ठीक है पेंदी में बैठ गया और तू बेटा कपड़ा अपने अलग कर दिया। मतलब इसका अर्थ ही यानी एक विधि जो कहना फेन प्लवन विधि, ये कपड़ा धोते धोते इस विधि का खोज हो गया। एक बासर में क्या होता था कि कोल फील्ड में, कोयलवरी में जहाँ कोयला की खदान में लोग काम करता था उनके कपड़ों को धोया जाता था। अब जहाँ पर बासर में कपड़ा को धोता था ना, वो एक दिन उनका अचानक ध्यान चल गया करे ये बाल्टी की पेंदी में ये मिट्टी का कण, बालू का कण, कोयला के कण का किसी पढ़े लिखे इंसान से बात किया। पढ़े लिखे इंसान से बात कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कपड़ा को बताओ सरफ वाला पानी में जब डाल देते हैं तब कपड़ा में से मिट्टी का कण अलग हो जाता है। तब जाकर के वैज्ञानिकों को इस पर ध्यान गया और तब उनके दिमाग में आया करे ये तो बड़े काम की चीज है, अगर कण होगा तो पेंदी में बैठ जाएगा। अब पेंदी में बैठ जाएगा और झाग के साथ में अयस्क बेटा ऊपर आ जाएगा। और जब ऊपर आ जाएगा तो चलो अयस्क आ गया, फिन के साथ अलग हो गया। आप बाल्टी में देखे बैठ गया वो भालू के कण, गैंग का कण, तो गैंग के सारे कण देखे बाल्टी में बैठ गया और देखे बाकी चीज आपका अयस्क ऊपर आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत? बोले बेटा कि आपको खाली कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत है, आपको तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देने
कि बेटा नहीं भूसे ला करेगा दिमाग में तैयो भूस जाएगा। भूसा नहीं, भूसा के नहीं बोलो। आपको देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल देते हैं, सारा चीज घरेलू एग्जाम्पल से ही समझ आ गए। समझना है, रटना नहीं है। और जब समझ जाएगा तो अपने मन से भी उसको लिखिएगा एग्जाम में कि इसके अंतर्गत क्या और कौन सा काम होता है। समझ गए? तो चलिए आज क्लास यहीं पर लास्ट करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है? तब तक आप लोग फुर्सत में सुरक्षित रहें, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, गुड नाइट।